जय हिंद स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एमएस पेंट में कौन कौन से टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग को बनाने में, ना? तो नेक्स्ट टूल हमारा है पेंट। ओके, मतलब कि फिलिंग एन एरिया या ऑब्जेक्ट विद कलर इन पेंट। इट मीन्स हम अपने जो भी अपने ड्राइंग, जैसे ये ड्राइंग बना है, उसमें हमें कैसे कलर फील करना है, इस कलर टूल से हम लोग फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? लुक एट द टीनी स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कलर बॉक्स। द स्क्वायर ऑन टॉप शो द फोरग्राउंड कलर, द अदर स्क्वायर शो द बैकग्राउंड कलर। इट मीन्स जो आप ये दोनों कलर, ये पूरा तो हमारा कलर बॉक्स है, इसमें से हम कलर चूज करते हैं, लेकिन ये जो हमारा स्क्वायर में बॉक्स दिख रहे हैं, तो एक फोरग्राउंड कलर है एंड सेकंड बैकग्राउंड कलर है, जिसे हम लोग कहते हैं फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। अगर हम इसमें जो भी कलर सिलेक्ट करते हैं, इस यहाँ से अगर कोई भी कलर हम इसमें क्लिक करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें वही कलर हम लोग फील कर सकते हैं, ना? फोरग्राउंड कलर, इट इज़ द कलर यूज टू लाइन आउटलाइन और शेप द नेक्स्ट टू चेंज द फोरग्राउंड कलर। जस्ट क्लिक ऑन अ कलर इन अ कलर बॉक्स। जो हम लाइन, इट मीन्स जैसे पेंसिल जब यूज़ करते हैं, पेंसिल बनाते हैं, तो जो कलर इसमें फोरग्राउंड कलर, इट इज़ द कलर यूज टू लाइन, इट मीन्स जो भी हम लाइन या पेंसिल बनाने के टूल बॉक्स में जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं, उसका वही कलर होगा जो यहाँ पे बॉक्स में कलर दिखाई देता है। एंड बैकग्राउंड कलर, जो हम बैकग्राउंड कलर, इट इज़ द कलर यूज टू फिल इन क्लोज शेप एंड द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट। टू द चेंज बैकग्राउंड कलर, राइट क्लिक ऑन अ कलर इन द कलर बॉक्स। इट मीन्स हम जो ये बैकग्राउंड कलर, ये हमें शो हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें कलर फील करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ता है। ओके, इसमें कलर फील करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ता है, और इसमें कलर फील करने के लिए राइट क्लिक जो हम करते हैं, तो ये इनक्लोज फिगर, मतलब कि ऐसा कोई फिगर जिससे वो कलर बाहर ना आ सके। इट मीन्स इनक्लोज शेप में इस बैकग्राउंड कलर में को हम डाल, मतलब फील कर सकते हैं। ओके, देन राइट क्लिक इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया और द शेप इन विच यू वॉन्ट टू फील कलर। इट मीन्स जो ब्लैंक पार्ट है ना, जो फ्री एरिया है, राइट क्लिक इन अ ब्लैंक पार्ट, मतलब कहीं पे भी हम जो ड्राइंग एरिया है वहाँ के किसी फ्री एरिया में क्लिक करेंगे, ड्राइंग एरिया के पार्ट में हम क्लिक करेंगे, या फिर शेप पे, ना? शेप, कोई शेप अगर हमने ड्रॉ किया है उस पर, वहाँ हम फील, मतलब क्लिक करेंगे तो वहाँ भी वो कलर फील हो जाएगा। इट मीन्स जो कलर बॉक्स हमारा होता है, इट मीन्स जैसे ये टूल बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें ये जो कलर बॉक्स है, तो ये कलर बॉक्स में जो ये दिख रहा है, इसमें से कलर होता है ना, ये कलर बॉक्स है। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज करके, यहाँ कलर बॉक्स को सिलेक्ट करके, यहाँ से कोई भी कलर चूज करके अपने किसी भी ड्राइंग में, मतलब कोई भी ड्राइंग में, अगर हम यहाँ पे भी इसे क्लिक कर देंगे, इस कलर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी हम कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे जितना ब्लैंक हमें दिख रहा है, पड़ा वाइट दिख रहा है, वो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनक्लोज फिगर पे इस कलर को गिराना है। ओके, मतलब कि फील करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हम कैसे इस फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को चूज करते हैं, ठीक, इसमें कैसे हम कौन से कलर, मतलब पीछे वाले जो बैकग्राउंड कलर है उसमें राइट क्लिक करते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं, और इसमें लेफ़्ट क्लिक करके कोई भी कलर को चूज़ करते हैं। लेकिन हम कलर को फील विद कलर टूल, इट मीन्स कलर को कैसे टूल बॉक्स से लेकर यहाँ इस ड्राइंग में हम फील करेंगे। क्लिक ऑन द कलर इन द टूल बॉक्स, इसमें टूल बॉक्स में से हम एक कलर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द कलर टू बी फील फ्रॉम द कलर बॉक्स, कोई भी कलर को हम लेकर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मूव द माउस पॉइंटर इनसाइड द फिगर टू बी कलर्ड एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। इट मीन्स हम इस फिगर में जो भी कलर सेलेक्ट किए होंगे, वहाँ पे कलर टूल को क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो भी सिलेक्टेड कलर है वो इसमें फील्ड हो जाएगा। ओके, थर्ड है पिक कलर टूल। पिक कलर भी
एक कलर मतलब कलर को ही यूज करने के लिए है। ये भी पिक टूल, पिक कलर टूल है जिसे कहते हैं। क्लिक ऑन द पिक इन द टूल बॉक्स, ये है हमारा टूल बॉक्स, इसमें से ये पिक कलर है। ओके, तो क्लिक ऑन द एरिया दैट कंटेन द कलर यू वांट टू यूज, जो भी हमें इसमें से कलर मतलब फील करने के लिए, यहाँ से हम कलर यहाँ इसके लिए भी यहाँ ही से सिलेक्ट करेंगे कलर। पिक कलर इट मीन्स ये ऐसे ड्रॉप ड्रॉप इट लाइक दैट ना, इस तरह से कलर इसमें से आएगा, तो उसको हम लोग पिक कलर के रूप में यूज़ करते हैं ना। क्लिक ऑन द एरिया टू कंटेन द कलर यू वांट टू यूज, दिस कलर विल बिकम द फोरग्राउंड एंड कलर इन द कलर बॉक्स। फोरग्राउंड कलर से ही हम इसको पिक कलर के लिए लेंगे। फिल, क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल इन द टूल बॉक्स, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और इन साइड द एरिया वेयर यू वॉन्ट टू रीयूज द कलर। हमें उसको फिर से कैसे यूज़ करना रहेगा, तो हम जो भी एरिया जैसे ड्राइंग के किसी भी, ये हमारा ड्राइंग है, ये हमें अलग अलग कलर से फिल करना है, तो हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके उसमें हम चूज़ कर सकते हैं। ओके बेटा।